रमेश नाइक ने मनपा आयुक्त को फिर घेरा, कोरोना, आरोग्य योजना और अंबेडकर स्मारक पर मांगा जवाब। ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से अपनी साप्ताहिक मुलाकात में नवम्बई के कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया और जवाब मांगा। इनमें महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के लाभार्थियों का खुलासा करने, शहर के अंडरपास का सर्वेक्षण कराने, रेलवे और बस अड्डों पर सिटको द्वारा प्रस्तावित मेगा हाउसिंग को रोकने और सीसीटीवी लगाने के काम में पारदर्शिता बरतने के मुद्दे प्रमुख थे। लोक नेता गणेश नाइक ने ऐरोली के आम्बेडकर स्मारक के निर्माण में तेजी लाने के लिए आयुक्त से साझा दौरा करने की मांग की। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के लिए राज्य सरकार से मिल रही आर्थिक मदद और उसके लाभार्थियों का खुलासा करने की भी अपील की। आइए सुनाते हैं गणेश नाइक ने और क्या कुछ कहा। कोरोना की जो बाधित होने की संख्या कम होगी, फिर भी कोरोना गया ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो जब कौन सी चीज गई और खतरा नहीं है ऐसा जिस दिन महसूस होता है उस दिन ज़्यादा खतरा होता है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनको मैंने बताई है। और जो शहर के जो पिछले मास सभा में जो ठहराव पास हुए, कई के टेंडर निकले, कई की वर्क ऑर्डर निकली, ये काम जल्दी करने के लिए आपकी यंत्रणा लगा ऐसा उनको मैंने उनको कहा है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्मारक है वो काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसको शीघ्र गति से करने का काम होना चाहिए। ऐरोली में नाट्यगृह होने की ज़रूरत है, वो नाट्यगृह के लिए जल्दी जल्द कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर देके काम शुरू करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें बोली है। इस दौरान पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक एवं बीजेपी नेता दशरथ भगत समेत कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में गणेश नाइक ने नवम्बई के पुलिस थानों में भंगार बन रही गाड़ियों के लिए पार्किंग भूखंड उपलब्ध कराने एवं कोरोना को और कम करने के लिए मास्क उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया और मनपा से जरूरी पहल करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।